नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजु टारगेट में। एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम आप सभी दोस्तों के लिए। आरआरबी जेई जो 2 जून 2019 यानी आज की पहली शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर कवरअप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो कि आपके पूछे गए थे आज फर्स्ट शिफ्ट में 2 जून 2019 की। तो पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि हमने पूलिंग मतलब कि पूल क्रिएट कर रखा है अपने चैनल पर एजु टारगेट पे। वहाँ पर जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 100 नेगेटिव मार्क्स कंसीडर होने के बाद में कितने मार्क्स बन रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स आपके बन जाएंगे, ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक एक्यूरेट आइडिया लगाया जा सके। और एक आपके लिए बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब रिजल्ट आने से पहले पहले, क्योंकि रिज़ल्ट आने के एक महीने बाद में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत कम टाइम मिलता है 1 से 1.5 महीना, इसलिए उससे पहले हम आपको एक एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकें और आपका अंदाज़ा हो सके कि आप पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपका सेफ स्कोर है या नहीं है फॉर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, फॉर प्रिपेयरिंग द सेकेंड CBT एग्ज़ाम, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि मिल जाएगी फर्दर प्रिपरेशन के लिए, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आया था आपके, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो होती है स्टेपिस। ओके फ्रेंड्स, कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। ब्रिक्स इकोनॉमिक अवार्ड किसे मिला है, कौन से बैंक को ब्रिक्स इकोनॉमिक अवार्ड मिला है, एग्जिम बैंक को ब्रिक्स इकोनॉमिक अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन इसरो से रिगार्डिंग था, आई डोंट नो अबाउट इट कि क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली, इतना ही आया है बस सिर्फ मेरे पास में कि इसरो से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। ओके, अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी थी तो मैं बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, हाल फिलहाल जयपुर में भी एक खुला है साइट। तो अब क्या क्वेश्चन था मेरे को भी नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा आंसर क्या था इसका। एक क्वेश्चन अपने पास में था, माउंटेन इज इक्वल टू वैली देन एनिमी इज इक्वल टू, क्या होगा आपके पास में। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, वैली का मतलब होता है गहरी खाई, यानी अपोजिट हो रहा है, जहाँ पहाड़ है वहाँ गहरी खाई है, तो एनिमी जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा, फ्रेंड भी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा प्रतीक यानी सिंबल गलत है, यानी कौन सा एलिमेंट का सिंबल आपका गलत इसमें शो कर रखा है। तो जैसे कि आप देखेंगे M कैपिटल G स्मॉल मैग्नीशियम करेक्ट है, A कैपिटल L कैपिटल एल्यूमिनियम ये गलत है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A सही है। इसमें जो राइट सिंबल होता है वो कैपिटल A स्मॉल L, स्मॉल L होता है एल्यूमिनियम का, कैपिटल A इंटू स्मॉल L होता है, तो ये गलत है बी ऑप्शन। वो तो आप देख लीजिएगा आपका क्या ऑप्शन दे रखा था उस हिसाब से, अगर किसी में स्मॉल छो, इसमें भी क्या होता है, सी कैपिटल यू स्मॉल होता है, सी कैपिटल ए स्मॉल होता है, आपका ऑप्शन क्या था उस हिसाब से देख लीजिएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड लेटर स्मॉल होता है सब में। मेंडली पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, अगेन वही वापस से रिपीट रिपीट कर करके कम से कम ये एक क्वेश्चन 6 से 7 बार पूछ चुके हैं ये एक ही बार में। मेंडली पीरियोडिक टेबल बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, तो इसका राइट आंसर हो गया एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर जो आपसे 7 पूछा गया है, इफ जिंक इज एडेड टू पील्ड पोटैटो इट चेंज्ड इनटू कलर, पता नहीं क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन विच वन डोंट हैव वाटर, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, इन द गिवन विच वन डोंट हैव वाटर, तो उसका राइट आंसर क्या था, वाटर किसकी रिएक्शन होने पर निकलता है, तो वो होता है बेकिंग सोडा। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बेकिंग सोडा होगा। फेस इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, हैंड इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें ऑप्शंस नहीं है मेरे पास में, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। फेस फेस पे क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है, तो हैंड पे क्या आता है, फेस अपना एक्सप्रेस करने के काम आता है, तो हाथ किस काम में आता है, किसी काम में काम आता होगा, तो वो आप उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आप अपना राइट आंसर चूज कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, कौन सी चीज़ इनमें से सेपरेट नहीं की जा सकती। कंपाउंड, दो कंपाउंड को एक एलिमेंट से बनते हैं मिलकर के दो कंपाउंड, तो कंपाउंड को अपन सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास में मिक्सचर है किसी चीज़ का, तो उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंसेस को भी आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को आप कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, आई होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन फ्रीली, फ्रीली कौन सी चीज़ पाई जाती है, अभी इसमें ऑप्शंस मेरे पास में पता नहीं है, लेकिन गोल्ड जो है वो प्योर फ्री फॉर्म में पाया जाता है हमेशा। ओके, वो हमेशा फ्री फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, हमेशा जब भी गोल्ड मिलता है वो फ्री फॉर्म में मिलता है, कभी भी किसी इम्प्योरिटी के साथ में नहीं मिलता है ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी था आपसे, वर्ल्ड वेटलैंड डे
2 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा, जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका सुक्रोज से रिगार्डिंग था, सुक्रोज आपका नेचुरल शुगर होता है जो कि स्वीटेस्ट शुगर होता है। आप क्या ऑप्शन थे उस हिसाब से टिक लगा लीजिएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड से एक क्वेश्चन था, पाकिस्तान रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि शायद पता नहीं कोई चाइना से रिगार्डिंग था कुछ ऐसा, है ना, इस टाइप से कुछ ऑप्शन में मतलब कमेंट के अंदर आ रहा था। पाकिस्तान एक रिलेटेड न्यूज़ थी जो कि चाइना से रिलेट कर रही थी। राइट एंगल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सीरीज से थे, 1 से 2 क्वेश्चन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से थे, टाइम एंड वर्क से 2 to 3 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन पजल से था। कुछ एक क्वेश्चन हैं और भी, अगर क्वेश्चन आपको ध्यान में हो तो आप कॉमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे बता सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा पूल नहीं ज्वाइन किया है तो आप पूल जो हमने क्रिएट कर रखा है वहाँ पर आप जाकर के वोटिंग करिए कि आपके कितने आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आपके एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। उसी के हिसाब से हमने और भी आरआरबी से रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है, उनको आप जाकर देख सकते हैं। साथ साथ में हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो बनाई है जो आज तक अभी तक एग्जाम जितने भी हो चुके हैं उनके बिहाफ पे, तो एक बार आप जाकर के उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले सीबीटी सेकंड के जितने भी लेक्चर वीडियोस हैं आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। जल्दी हम सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर देंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ साथ में भी बता दूँ कि सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे लेक्चर वीडियोज़ हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।